क्लास फंडामेंटल इन जावा, इसका ये पार्ट 12 है। इसके अंदर हम पैरामीटर पासिंग के बारे में देखेंगे। पैरामीटर पासिंग दो तरह के हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। इस वीडियो में हम कॉल बाय वैल्यू देखेंगे। कॉल बाय वैल्यू का पहले एग्जांपल बता रहा हूं आपको, एग्जांपल समझने के बाद उसका नोट्स आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिख रहा है। तो ये यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे है। ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? टेस्ट। ये क्लास का ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसका अंदर का एक फंक्शन है, इसके अंदर उसे कॉल करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट में बनाया था। यहाँ और एक लोकल वेरिएबल बनाया मैं, तो इसका नाम ये है, इसके अंदर मैं 10 दिया हूँ। देखिए इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा, ये 4 बाइट का रहेगा। जावा में इंटीजर के लिए 4 बाइट लगते हैं, तो 4 बाइट का लोकेशन है, उसके अंदर मैं 10 दिया। और एक बार प्रिंट करके देख लेंगे कि ये के अंदर क्या है। ये इज इक्वल 10 प्रिंट होगा आउटपुट में। यहाँ डबल कोट में जो दिखाई दे रहा है वो ये इज इक्वल आएगा। यहाँ ये की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, ये इज इक्वल 10 प्रिंट होगा। और उसके बाद मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, उसका नाम है डेमो। फंक्शन का नाम, सॉरी, फंक्शन का नाम इंक्रीमेंट है। फंक्शन का नाम इंक्रीमेंट है, मैं उसे इंक्रीमेंट को कॉल कर रहा हूँ। वो जिस क्लास में है उसी का ऑब्जेक्ट लगा के कॉल कर रहा हूँ। और मैं पास कर रहा हूँ ये को, कि मैं जिस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ उसे मैं पैरामीटर एक पास कर रहा हूँ, माने कि वैल्यू पास कर रहा हूँ, उसे ये पास कर रहा हूँ। तो ये के अंदर जो वैल्यू दिख रही है आपको 10, वो उस एक्स में जाएगी। समझो कि इसका वेरिएबल का नाम एक्स है, कि वो एक्स में ये वैल्यू चल जाएगी, एक्स में जाएगी। तो वहाँ एक 10 है, यहाँ एक 10 है, इस जगह पे ये में एक 10 है, उस जगह पे एक्स में एक 10 है। तो इसमें अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स में जो वैल्यू है उसे 100 कर दे रहा है। एक्स में 10 था, उसको 100 कर दिया, वापस आ गया। फिर ये कंट्रोल इधर वापस आने के बाद फिर ये को प्रिंट करके देखे हम लोग, कि आउटपुट में बताता हूँ आपको। पहले ये इज इक्वल 10 प्रिंट हुआ था आउटपुट में, फिर इस बाद ये इज इक्वल टू 10 ही प्रिंट होगा। तो फंक्शन कॉल होने के पहले ये में 10 था, फंक्शन कॉल होकर वापस आने के बाद भी 10 ही रहेगा। कि इसमें क्या होता है, वो एक्स में आप कुछ भी चेंज कर लीजिए, वो ये में चेंज होने वाला नहीं है, वो एक्स अलग है, ये अलग है। तो क्या हुआ, कॉल बाय वैल्यू में क्या है, कोई फंक्शन को हमें वैल्यू पास करते हुए कॉल करेंगे, उसे कॉल बाय वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर किसको बोलते हैं, जो पास करते हैं वेरिएबल, इसको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। वहाँ जो रिसीव हो रहा है उस वेरिएबल को हमें फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। एक्चुअल पैरामीटर जो वेरिएबल है, एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू कॉपी होता है फंक्शन पैरामीटर को, वैल्यू कॉपी होता है। आपके सामने दिख रहा था पिक्चर, यहाँ एक 10 रह गया था, वहाँ एक 10 चल गया, तो उस वेरिएबल में भी 10 था। फंक्शन उस पर काम किया है जिस पे एक्स है, ये एक्स में चेंज करने से यहाँ चेंज नहीं होगा। तो यही है कॉन्सेप्ट, इसमें दो पॉइंट बोलना। कोई फंक्शन को कॉल करते हुए उसका एक वैल्यू पास करते हुए फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसको बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू। उसका और एक प्रॉपर्टी क्या है, कि जब इन ये कॉल बाय वैल्यू के अंदर वो फंक्शन के पैरामीटर में आप यहाँ कुछ भी चेंज कर लीजिए, इस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो काम किया एक्स पे, तो एक्स वहाँ तक ही रहेगा। तो इधर वापस आने के बाद ये में 10 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका नोट्स आपको मैं समझाता हूँ। देर आर टू वेज दैट ए प्रोग्राम कैन पास आर्ग्यूमेंट टू ए मेथड, देर आर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। नेक्स्ट, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर, मतलब जो पास करते हैं ना उसे एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। वैल्यू इज कॉपी टू द फॉर्मल पैरामीटर। मेथड वर्क ऑन कॉपी ऑफ द डेटा, द चेंजेस मेड टू द पैरामीटर ऑफ द मेथड डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट यूज टू कॉल इट। इन जावा वेन द सिंपल टाइप्स आर पास टू ए मेथड इट इज पास टू बाय वैल्यू। ये देखो, सिंपल टाइप, इंटीजर पास करते हो, फ्लोट पास करते हो, कैरेक्टर पास करते हो, बेसिक डेटा टाइप जावा के अंदर जो भी है वो पास करते हो, वो अपने आप कॉल बाय वैल्यू होता है। तो ऑब्जेक्ट पास करते हैं तब जाके वो कॉल बाय रेफरेंस होता है, अरे को पास करते हैं वो कॉल बाय रेफरेंस में, ये तो कॉल बाय वैल्यू होगा। अब ये एक्चुअल पैरामीटर इसको बोलते हैं। इस केस में क्या है, एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू जो है वो कॉपी होती है फंक्शन पैरामीटर को, फंक्शन इस पर वर्क करता है उसके अपने पैरामीटर पर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये कॉल बाय वैल्यू में। ये आउटपुट है, देख के लिख लीजिए, एज इक्वल 10, एज इक्वल 10, दोनों बार एज इक्वल 10 प्रिंट होगा। थैंक यू।